दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे BBS बनाते समय कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर आप BBS बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बार बेंडिंग मशीन से स्टिरअप बनवा के दिखाऊंगा पूरा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। कटिंग लेंथ निकालने से पहले सबसे पहले टोटल लेंथ देखते हैं, जो कि ड्राइंग में दिया रहता है। रिइंफोर्समेंट ड्राइंग में टोटल लेंथ क्या है? दैट लेंथ विच इज रिक्वायर्ड एज पर रिइंफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग इज नोन एज टोटल लेंथ। उसके बाद हम कटिंग लेंथ निकालते हैं। कटिंग लेंथ इज इक्वल टू होता है टोटल लेंथ माइनस एन टू डी, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेंड, डी इज इक्वल टू डाया बार, टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट व्हेन लेंथ ऑफ बेंड एंगल इज 90 डिग्री। कटिंग लेंथ में बेंड एंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हमने अलग अलग एंगल का अलग अलग डाया निकाला हुआ है कटिंग लेंथ। जैसे लेंथ ऑफ बेंड एंगल फॉर 45 डिग्री, इसमें जो कटिंग लेंथ होगा सिर्फ एन डी होगा। दूसरा नंबर पे लेंथ ऑफ बेंड एंगल फॉर 90 डिग्री, उसके लिए 2D होता है। लेंथ ऑफ बेंड एंगल फॉर 135 डिग्री, उसमें 3D होता है। जनरली जो बेंड एंगल है 90 डिग्री का यूज होता है स्टिरअप्स में, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है कटिंग लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस एन 2D। आप इसको भी यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेक्शन लिया है जिसका लेंथ 1200 mm है और इसका विथ 1000 mm है। अब दोनों साइड से 50 mm और 50 mm कवर माइनस कर देंगे तो जो स्टिरअप्स का लेंथ आएगा 1100 mm और 900 mm आएगा। इसलिए सबसे पहले हम टोटल लेंथ ऑफ स्टिरअप निकालेंगे। 1100 × 2, 1100 × 2 प्लस 900 × 2, 900 × 2, दो इसका हुक लेंथ है एक स्टिरअप का, 80 × 2 हो जाएगा। इसको जब टोटल हम ऐड करेंगे तो 4 मीटर 160 mm आएगा, ये टोटल लेंथ हो गया। अब जब हम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे स्टील कटिंग करने के लिए कटिंग लेंथ, वो कितना देंगे? टोटल लेंथ माइनस एन टू डी, एन नंबर ऑफ बेंड 1, 2, 3, 4, 5, और 2 फॉर्मूला का, क्योंकि ये जो बेंड है 90 डिग्री का है इसीलिए 2, और डी डाया ऑफ स्टील कितना है? 16 mm का है। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल कटिंग लेंथ 4 मीटर का, यानी 4000 mm। हम उस ठेकेदार को देंगे 4000 mm का स्टील। अब दोस्तों इसको हम बार बेंडिंग मशीन पे कैसे बेंड करते हैं उसको अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, साइड पे हमने एक कटिंग लेंथ लिया है एकदम एग्जैक्ट 4 मीटर का। अब इसको हम बेंड करके आपको दिखा रहे हैं। ये स्टील बेंडिंग स्टार्ट हो गया है। अब इसका हम हुक लेंथ बेंड करवा रहे हैं। देखिए, यही जब 90 डिग्री पर बेंड होता है तो इसमें 2D डाया ऑफ जो लेंथ है वो बेंड होता है 2D, क्योंकि इसका जो लेंथ है एंगल ऑफ लेंथ 90 डिग्री है। इस स्टिरअप का जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है 1100 mm है एग्जैक्ट। उसके बाद दोनों साइड में 1100 1100 mm है और जो दूसरा साइड था 900 mm है, दोनों साइड में 900 mm। इसका देखिए हुक लेंथ भी एकदम 80 mm आया, दोनों हुक लेंथ 80 mm। तो इस तरह से कटिंग लेंथ 4 मीटर का है और इसका जब हम बेंड
बेंड पूरा कंप्लीट एज पर ड्राइंग के अनुसार बनाएंगे तो 4 मीटर 160 मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।